न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मिशन 2019 को लेकर सभी सियासी दलों ने अपने अपने स्तर पर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सपा और बसपा के हुए गठबंधन को लेकर भी जमकर सियासत देखने को मिल रही है। पार्टियों की तरफ से इस गठबंधन को लेकर वार किया जा रहा है तो पलटवार भी सामने आ रहा है। मायावती ने गठबंधन के बाद न सिर्फ केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा बल्कि कांग्रेस पर भी तंज कसा। हालांकि कांग्रेस को गठबंधन से नजरअंदाज करने के बाद कांग्रेस ने खुद मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए इग्लो इंडियन समुदाय की तो इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस प्रावधान में संशोधन कर समाप्त करने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। क्या कहती है देश की हर रोज बदलने वाली सियासत, इसी पर बात करेंगे खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हुए गठबंधन को लेकर। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा सपा बसपा गठबंधन से बीजेपी के साथ दूसरे दलों की नींद उड़ गई है। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन की जीत मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा होगा। मायावती ने न सिर्फ केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला बल्कि कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए मायावती ने कांग्रेस को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा उसे 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से सबक लेना चाहिए। कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस सरकारों पर सवाल उठ रहे हैं। थोड़ा सा कर्ज माफ करने से किसानों को राहत नहीं मिलेगी। मायावती ने कहा है कि पूरा कर्ज माफ होना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा है कि हमारी पार्टी किसान दलित पिछड़ों की समस्या का संतोषजनक समाधान निकालने की स्थिति में है। नोटबंदी को लेकर मायावती ने कहा है कि इससे गरीब जनता परेशान हुई है, छोटे उद्योगों के लिए हानिकारक साबित हुई। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले सिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। तो सुना आपने, आज मायावती का जन्मदिन और इसको लेकर उन्होंने जिस तरह की बात कही और गठबंधन की जमकर तारीफ की। और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर कांग्रेस ने कहा है जाल में फंसी सपा और बसपा। उन्होंने वही किया जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। कांग्रेस प्रवक्ता RPN सिंह ने कहा कि भाजपा चाहती थी उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष दल एकजुट ना हो ताकि वोटों का बंटवारा होने का फायदा उसे मिले और वे अपने इस प्रयास में सफल भी रही। और इस खबर पर बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से पॉलिटिकल एडिटर RC भट्ट जी। भट्ट जी, जिस तरह देखा जाए गठबंधन को लेकर वैसे तो हर रोज एक नई बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर एक विश्वास दोनों ही दलों में देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? जिस तरह एक टारगेट लेकर चला जा रहा है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है केंद्र से। देखिए, पहले भी अपने चैनल के माध्यम से हमने व्यूअर्स को बताया था जी, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए तो चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों हाशिए पे चली गई जी, और उसके पहले जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय भी खाता जो है मायावती का खाता बहुजन समाज पार्टी का खुला नहीं जी। और समाजवादी पार्टी जहां पहले 38 और 36 सीटों पर वो उत्तर प्रदेश से लीड करती थी जी, वो केवल 5 सीट पे सिमट गई। यानी कि दोनों पार्लियामेंट के चुनाव में और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में दोनों लोगों को अपने अस्तित्व पर भारतीय जनता पार्टी से खतरा मंडराने लगा। यानी कि 2014 में तो मायावती का जो वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, वो काफी तक हद तक जो है
वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हो गया। और बात अगर हम 2017 के विधानसभा के चुनावों को करें तो उस समय भी जो चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी का भी बहुत सारा यादव वोट और बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट है वो बैंक जो है वो मायावती इनको छोड़ के भाजपा की तरफ ट्रांसफर हुआ। ये भाजपा की बड़ी जीत थी, यानी लोकसभा की भी जीत उत्तर प्रदेश से 73 सीटों की और विधानसभा की जो 325 सीटों की योगियों के साथ वो उत्तर प्रदेश की भाजपा की बड़ी जीत थी। लेकिन अब परिस्थितियां भिन्न है। 4.5 वर्ष केंद्र की सरकार और लगभग 22 महीने की उत्तर प्रदेश की सरकार और सामने है चुनाव लोकसभा का जी। और तैयारी है उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव की, लेकिन पहली परीक्षा लोकसभा की है जी। दोनों दल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, लगभग 24 वर्षों से लगातार वो एक दूसरे के खिलाफत करते रहे 25 सालों से, और कहीं ना कहीं वो एक विचार थोड़ी के थे। लेकिन जब स्थितियां ये बदली कि दोनों का जो अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खत्म होता नजर आया, समाप्त होता नजर आया, तो दोनों लोगों को लगा कि अब मिलना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश अगर जब 2012 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, इस घटना को तकरीबन 7 साल हो गए, और वो मायावती का पुतला जो यहाँ लगा हुआ था अंबेडकर पार्क के पास, वो पुतला कुछ अराजक तत्वों द्वारा गिरा दिया गया और उस पुतले को अखिलेश यादव ने तुरंत जो है नया पुतला मंगवा के और उनके पुतले को अच्छी तरह से वहां पे लगा दिया और वहां पे पुलिस की व्यवस्था करा दी। तो इससे मैंने उसी दिन बताया लोगों को कि ये बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ चलेंगे और मायावती के ऊपर कभी आक्रामक नहीं रहे। हम लोगों ने जब भी उनसे कोई सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वो मेरी बुआ है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो निश्चित रूप से वो चीज आज काम आया इस गठबंधन में, वो चीज काम आया। मायावती बहुत ही दूसरे विचारधारा की और बहुत ही मतलब एक मजबूत इरादे की महिला मानी जाती रही हैं और बहुत ही कठोर फैसले लेती हैं और बहुत ज्यादा उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है जी। भट्टी तो मजबूत इरादे की महिला मानी जाती हैं जी। भट्टी जिस तरह आपने कहा कि मजबूत इरादे की महिला मानी जाती हैं और पिछले 2 चुनाव का जिस तरह से आपने उदाहरण दिया, बसपा सपा हाशिए पे चली गई क्योंकि जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में जो कॉन्फिडेंस दिखाए गठबंधन के दौरान क्या माना जाए, क्योंकि बीच बीच में यह बात भी निकलकर सामने आई थी कि जो उपचुनाव हुए थे उसमें दोनों दलों को जो है कामयाबी मिली थी, सिर्फ उपचुनाव जीतने से कॉन्फिडेंस बढ़ा है या फिर यूं कहा जाए कि जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है उसको लेकर कुछ एक अलग हथकंडे के तहत आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, अगर विगत 30 वर्षों की राजनीति पर नजर डालें जो हमने बहुत करीब से देखा है जी, ये जातिगत आधार पे है पूरी तरह से, यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा मुस्लिम सवर्ण और दलित, इसका ये 100% का इक्वेशन है जी। और ये इक्वेशन में कहीं ना कहीं ये जो दो दल हैं विगत 25 वर्षों से इनका तकरीबन 40% वोट बैंक पे कब्जा रहा है, ज्यादा ही रहा है। तो अब उस वोट बैंक इनके अस्तित्व पर खतरा मंडराया, भारतीय जनता पार्टी बहुत से चुनाव जीती तो निश्चित रूप से इनको लगा कि हमारा मिलना, अगर हम मिलेंगे नहीं तो समाप्त हो जाएंगे। एक तो डर की बात अगर हम करें, सबसे बड़ी बात तो ये डर है, इसको कहा जाए डर है। सामने कौन खड़ा है? सर्वोच्च भारतीय जनता पार्टी का इस समय सर्वोच्च नेता है नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री के रूप में है, सामने खड़े हैं, स्टार प्रचारक है, सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, स्थिति यही आती है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस मामले में, गठबंधन के मामले में, वो 4 कदम पीछे हट गए। लोग कहते हैं कि 2 कदम आदमी पीछे हटता है, लेकिन ये 4 कदम पीछे हटे। मायावती को ये भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव सिर्फ 1 बार मुख्यमंत्री है। मायावती को वो बुआ कहते हैं और वरिष्ठ है वो, तो अखिलेश ने इसमें अपना बड़ा दिल दिखाया और पहल अपनी तरफ से की जी। बहन जी ने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद इसको स्वीकार किया। उनको भी ये लगा कि अगर हम दोनों लोग मिलते हैं तो एक बड़ा इक्वेशन उत्तर प्रदेश में खड़ा कर सकते हैं, प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं और नतीजा वही हुआ जी। भट्टी जिस तरह बात की जाए इस गठबंधन से पहले जिस तरह के कयास निकलकर सामने आ रहे थे, जो अटकलों का बाजार था कि कांग्रेस बसपा और सपा आपस में हाथ मिला सकते हैं, लेकिन इस गठबंधन से जो है कांग्रेस को दरकिनार किया गया, उसके बाद जो है कांग्रेस ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा भी कर दी, तो इसको किस नजरिए से देखा जा सकता है? देखिए वो चीज मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं जो किसी के बहुत कम समझ में आता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विगत 30 से 32 वर्षों से मृत प्राय है, यानी कांग्रेस का बहुत जनाधार
बढ़ा है बल्कि घटता चला गया है जी। और मायावती अखिलेश दोनों ये जानते हैं कि अगर कांग्रेस को जितनी ज्यादा हम सीटें देंगे लोकसभा की उतनी सीटें हम हारेंगे, यानी कि निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वहां उन सीटों पर जीत जाएगी जी। और वो सीट नुकसानदेह होगा, इस बात को ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, मगर उसके लिए उनको एक सुनियोजित तरीके से बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत उन्होंने एक रणनीति बनाई कि कांग्रेस से इसको अलग रखा जाए। अगर हम गुलाम नबी आजाद का दौरा था कल, जिस तरह से उनके बयानों को देखा हम लोगों ने, बातचीत की और उन्होंने जिस तरह से लगातार एक सेफ पैसेज दिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं वो कह जरूर रहे हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर हम प्रत्याशी खड़े करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी इन गठबंधन के कैंडिडेट के आगे टिक नहीं पाएंगे। लड़ाई भाजपा और गठबंधन की ही होगी दो तीन सीटों को छोड़ के। अब स्थिति मायावती ये जानती थी, इसलिए कांग्रेस से उन्होंने दूरी बनाई और ये रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि आगे चलकर निश्चित रूप से आज अगर मैं कहूं कि अगर गठबंधन की सरकार केंद्र में कोई गठबंधन बनता है या भारतीय जनता पार्टी की सीटें 200 के अंदर आती हैं खासतौर पर पूरे एनडीए की, तो अगर नई सरकार आती है केंद्र में तो उस समय मायावती कांग्रेस को अगर प्रधानमंत्री बनता है या कोई और प्रधानमंत्री बनता है तो निश्चित रूप से समर्थन देने की रणनीति हो सकती है, ये कयास लगा जी। सहयोग देंगे, बिल्कुल सहयोग दे सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह बात की जाए 80 सीटों को लेकर, हालांकि 38-38 पर यानी कि 50-50 का आंकड़ा देखने को मिला बसपा और सपा में, दो सीटों पर अभी सहमति बनने की बात सामने नहीं आई, और ऐसे में जो दो सीटें रायबरेली की बात की जाए या अमेठी की कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है, हालांकि गठबंधन तो नहीं हुआ कांग्रेस के साथ, लेकिन उसके ऊपर रहम जरूर दिखाया जा रहा है जिस तरह की बात की जा रही है, और आपने इस तरह के इंडिकेशन भी दे दिए कि शायद हो सकता है अगर नौबत आए तो कहीं ना कहीं समर्थन दिया जाएगा, तो क्या वजह मानी जाए कि इस तरह की जो रणनीति सामने आ रही है कि मोदी का डर कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को है क्या? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कद है जी। और जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया 2014 में लोकसभा के चुनाव में, नतीजा सामने रहा 4.5 सालों जी। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं, कहते हैं या चीजों को कहते हैं तो जनता उसको सुनती है, निश्चित रूप से कड़ी टक्कर है जी। और बहुत मजबूत टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से 3 राज्यों में हार हुई है उसको भी हम को ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कड़ी टक्कर दी। मध्य प्रदेश में भी आप देख लें, आंकड़ा बहुत आगे पीछे ही रहा बिल्कुल, और निश्चित रूप से राजस्थान की भी कमोबेश स्थिति यही है, छत्तीसगढ़ में तो पूरा एक तरफा गेम देखने को मिला, सिनेरियो रहा है वो, आपके जो है धान का समर्थन मूल्य को कांग्रेस द्वारा बढ़ाना और उसके साथ साथ कर्जा माफी, ये दो बड़े मुद्दे रहे छत्तीसगढ़ में, और जिसकी वजह से लास्ट आवर में जो है कहीं ना कहीं बारिश पलट गई, तो ये सब चीजें कही जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब दोनों लोग साथ हैं, कांग्रेस को उन्होंने अलग रखा है, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने गठबंधन ऐसा प्रत्याशी रखना चाहते हैं, और मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी ये चीजें मैंने थोड़ा सा इसको अपने सूत्र के माध्यम से इसको डेवलप किया है कि ये तमाम लोग ये इस चीजों को कह रहे हैं कि ये सिटिंग जो भारतीय जनता पार्टी का एमपी है, जिससे जो जो उसके सामने कैंडिडेट दूसरे नंबर पे रहा है जी, उस कैंडिडेट को उस पार्टी को टिकट मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब की बार किस तरह से मायावती और अखिलेश की रणनीति बनी है, वो ऐसे प्रत्याशी को जातिगत समीकरण आधार पर वो लाना चाहते हैं, चाहे वो सपा का हो चाहे वो बसपा का हो, वो सीटें उसी को देंगे जो वो अपने जातियों में, बिल्कुल भज्जी जिस तरह देखा जाए बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2014 में भी विफलता हाथ लगी और 2017 में भी वो जीत का परचम हाथ नहीं आया जिसकी उम्मीद थी, हालांकि दोनों ही दल अब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अगली खबर की, इग्लो इंडियन कोटे से देश में सांसद और विधायक मनोनीत किए जाने को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवार को कोर्ट की युगल पीठ ने भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब भी मांगा है।
मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी। दरअसल हाईकोर्ट में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाज पांडे और रजत भार्गव की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है, संविधान में इग्लो इंडियन कोटे से लोकसभा में 2 और राज्यसभा की विधानसभाओं में 1-1 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है। बिना चुनाव लड़े सांसद और विधायक मनोनीत होने वाले इग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के पास वे सभी अधिकार होते हैं जो निर्वाचित सांसद और विधायकों के पास होते हैं। ये उचित नहीं है और सरकार को इस परंपरा पर रोक लगानी चाहिए। लोकसभा में 331 और विधानसभा में 333। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इसका कोई औचित्य नहीं है उसको देने का, और हर बार शूल टाइप के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, इस पर बिना कोई चर्चा के एंग्लो इंडियंस को नामजद कर दिया जाता है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति वालों को भी चुनाव लड़ना पड़ता है, लेकिन एंग्लो इंडियन वालों को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं बिना कोई आधार के, तो उसको चुनौती दी कि अवैधानिक है। और आपको बता दें, एंग्लो इंडियन समुदाय को लेकर चर्चाएं जोरों पर आ गई और सुप्रीम आपकी जगह हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज सैनी, चीफ एडिटर न्यूज वर्ल्ड से। मनोज जी, जिस तरह देखा जाए मोदी सरकार केंद्र में काबिज हुई, उसके बाद विधायक संशोधन को लेकर कई बातें निकलकर सामने आई, चाहे SC ST एक्ट को लेकर हो, 3 तलाक को लेकर हो, या फिर सवर्णों को आरक्षण देने जैसी बात हो। और ऐसे में अगर बात की जाए इग्लो इंडियन में भी समुदाय जो है उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको लेकर भी बदलाव करने की बात उठकर सामने आने लगी, तो इसको किस नजर से देखा जा सकता है? देखिए, लंबे समय से इस बात की मांग चलती रही है कि इसमें बदलाव किया जाए, और जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां भी इस पर चर्चा हुई। लेकिन ये जरूर है कि जो 2 सीट और 1 सीट, 2 लोकसभा की और 1 विधानसभा की सीट निर्वाचित जो सदस्य है उनके बराबर होना चाहिए। लेकिन जनहित याचिका के दौरान ये जो टिप्पणी जिस तरह से सामने आई है, हमें लगता है कि ये आसान नहीं होगा। दरअसल लंबे समय से इस बात की मांग जरूर की जाती रही है, और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि एंग्लो इंडियन है तो इंडियन ही ना जी। और यदि इस तरह उनको मौका मिलता है जिस तरह बात कही जा रही है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अभी मामला कोर्ट का है तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं बोला जा सकता जी। लेकिन यदि ऐसा होता है तो हमें लगता कहीं ना कहीं कोर्ट ने साक्ष्य और तथ्य देखे होंगे, उसके आधार पर इस तरह की बात कही होगी जी। मनोज जी, मैं यहाँ पर रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से प्रियंक उपाध्याय, उनसे जानते हैं क्या कुछ इसको लेकर जो है स्थिति बनती नजर आएगी। प्रियंक जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी प्रियंक, जिस तरह बात की जाए इग्लो इंडियन समुदाय को लेकर जिस तरह की बात निकली है, इसमें संविधान में बदलाव को लेकर, इस प्रावधान में बदलाव को लेकर, तो क्या कहा जा सकता है इस बदलाव को लेकर जिस तरह से मांग उठी है? क्योंकि अगर सियासी नजरिए से देखा जाए, हालांकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट से जुड़ा है, संविधान से जुड़ा मामला है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, और जिस तरह का तर्क निकलकर सामने आ रहा है कि इग्लो इंडियन जो लोग हैं उनकी तादाद कम हो गई है और इस तरह के प्रावधान में अब बदलाव होना जरूरी है जी। पहली चीज तो यहाँ पे हाईकोर्ट में जब मामला लंबित है जी, तो हाईकोर्ट के पास जो फैक्ट्स रखे गए हैं और उससे ज्यादा मेजर जो ग्राउंड रखे गए हैं जी, उसको देखकर और जो शासन से राज्य सरकार से जो जवाब मांगे गए उसको देख के हाईकोर्ट कोई भी अपनी इस पर टिप्पणी देखे। और रही बात 331 और 333 आर्टिकल की आती है, तो वहां पे अभी तक एसेस लिमिटेशन उसमें कहीं डिफाइन नहीं जी। और अगर हम 336 को देखते हैं और 33 को देखते हैं कि सर्विसेज में और एजुकेशन में है, तो वहां डेफिनेटली क्राइटेरिया रखे गए जी कि 10 साल के अंदर इन सब को खत्म कर दिया। हेलो जी, क्या बोल रहे थे? तो ये स्थिति हमारे सामने जो है हाईकोर्ट को रखते हुए, हाईकोर्ट इससे अपना फैसला ठीक है ना जी। कोई जी प्रियंक, जिस तरह बात की जाए, क्योंकि हमारे चीफ एडिटर ने भी ये चीज कही कि प्रावधान में संशोधन करना और इसमें बदलाव, हालांकि मांग काफी दिनों से उठती रही है, लेकिन इसमें बदलाव करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कानूनी नजरिए से अगर देखा जाए तो अगर बदलाव की बात सामने आती है तो किस तरह की पेचीदगियां सामने आ सकती है? जी उपाध्याय जी, आपसे मेरा सवाल है। हेलो जी 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 उपाधि, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह बदलाव को लेकर मांग काफी दिनों से उठती रही है और ये बात भी निकलकर सामने आई, और हमारे चीफ एडिटर ने भी ये बात कही है कि हालांकि जिस तरह बदलाव की बात आ रही है, बदलाव करना इतना आसान नहीं है, और अगर कानून के नजरिए से बात की जाए तो इस प्रावधान में अगर बदलाव करने की बात सामने आती भी है तो किस तरह की पेचीदगियां सामने आ सकती हैं? देखिए, यहाँ अगर हाईकोर्ट के सामने आर्टिकल 226 में जिस तरीके से रिट याचिका आई जी हमारे सामने में दिखता है, वहां उनकी अपनी लिमिटेशन है हाईकोर्ट की,
जी। और इसको वाकई इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन में आप कानून में इतनी आप फैक्ट लेके आए, ग्राउंड लेके आए कि क्या कम्युनिटी में बिल्कुल ही अब सदस्य नहीं बचे हैं, क्या जो इसके बेसिस थे बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल, तो पेचीदगियां इसमें काफी है, इतना ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। जी चलिए, अब प्रियंका उपाध्याय जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका शुक्रिया। और मानव जी जिस तरह बात निकलकर सामने आ रही है, जो बात आपने कही वही कानून के जानकार भी यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की, अगर बदलाव की बात आती है और पेचीदगियां अगर सामने आएंगी तो पेचीदगियां बहुत हैं क्योंकि इसमें बदलाव इतना आसान नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े मनोज जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास खबर में जिस तरह मुद्दों को लेकर बात की गई, गठबंधन को लेकर अलग ही राजनीति देश में देखने को मिल रही है। हालांकि जिन दो पार्टियों का गठबंधन हुआ है बसपा और सपा दोनों की बात की जाए तो काफ़ी जो है कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और जिस तरह बात की जा रही है कि उनके पास वो नीति है जिसको लेकर दलित गरीब और दूसरे वर्गों का भला किया जा सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ऐसी कौन सी रणनीति, ऐसी कौन सी प्लानिंग है इनके पास जिसको लेकर इस तरह इतना कॉन्फिडेंस सामने आ रहा है, और क्या कुछ चुनाव नतीजे कहेंगे। और जिस तरह एग्लो इंडियन समुदाय को लेकर जो निर्वाचन होते हैं, विधायकों की बात हो या फिर सांसदों की बात हो, उसको लेकर भी बदलाव की जो है बात निकलकर सामने आने लगी। और हालांकि आपको बता दें हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। फिलहाल क्या कुछ पेचीदगियां आएंगी इन पर भी बात की, और किस तरह का बदलाव हो सकता है इसको लेकर कई कयास लगाए जाने लगे। फिलहाल खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक थे, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।